आएगा एक रागिनी के द्वारा, सुनिएगा। रोता है उस परमात्मा से कॉल करार करता है कि मुझे इस नरक से बाहर निकाल, गर्भ से बाहर निकाल। अगर बाहर निकालेगा तो तेरा ही नाम स्मरण करूंगा। परमात्मा की मेहर हो जाती है, बाबा सोमगिरी जी महाराज की मेहर हो जाती है, ये इंसान ये जीव इस नरक से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद में, इस माया रूपी संसार में आने के बाद में, उस परमात्मा को भूल जाता है, उसका नाम लेना भूल जाता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, इंसान की सोच बढ़ती चली जाती है, इंसान की तृष्णा बढ़ती चली जाती है। बूढ़ा आदमी सोचेगा कि तेरा छोरा ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद में कोई सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। लेकिन जब वे बालक बड़े हो जावे, सयाने हो जावे, कमाने के लायक हो जाते हैं, इंसान की सोच बदल जाती है। न्यू सोचा ये बूढ़ा बूढ़ी क्या जीवा है, ये मर क्यों नहीं जाते? अगर ये मर जाएंगे तो यह जमीन तेरे नाम हो जाएगी, ये गाड़ी घोड़े सारे तेरे हो जाएंगे, ये महल कोठी अटारी जितनी भी बड़ी हुई है ये सारी तेरे नाम हो जाएगी। रागिनी का एक एक बोल सुनने के लायक है कि कौन कौन इंसान क्या क्या सोचता है। रागिनी में सुनिएगा, आएगा भजन पे खुश होकर। 50 रुपए से इधर से मान सम्मान किया था, नाम नहीं बताया, धन्यवाद करती हूँ। की मोटी
चमा
आवाज आ रही है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक बार ताली बजा के बताओ जरा। हाँ ये बात, क्योंकि पसीना आ रहा है, इतना जोर लगा रही हूँ क्योंकि भजन गाने में जोर नहीं लगता, रागनिया में जोर ज्यादा लगा, एडी छोटी तक का। एक ताऊ बेचारा कदे होटल में नहीं गया था, पहली बार गया था होटल में। होटल में ये तरह तरह की लाइट लग रही, ताऊ लाइट आन देख कर बावड़ा हो गया ना, सोचा ला गया ना मेरा तो पिता गया। आज वेटर बना हुआ था गोल गोल, के बना हुआ था पराठे, पर ताऊ ने नहीं, मेरा ये गोल गोल के है। वेटर ने बोला ना ताऊ तू के खावेगा, ताऊ ने बोला मेज कुर्सी हटा कुना वहां दिखाऊंगा। ये भी कोई खाने की चीज ही होती है, कदे ये कलाकार कुलावादी खाने रहवन तारी समझ में नहीं आवे। समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं गाने वालों में गुण होते हैं तीन और सुनने वालों में होते हैं चार। गाने वालों में गुण होते हैं तीन और सुनने वालों में होते हैं चार, दोनों मिलकर चार पड़े तो नहीं हो जा पार। गाने वालों में फर्क होता है तान और बेतान का, गाने वालों में फर्क होता है तान और बेतान का, और सुनने वालों में भी फर्क होता है ज्ञान और बेज्ञान का। राजस्थान के अंदर सुनने वाले लोग होते हैं ज्यादा से ज्यादा, और शब्द प्रदान होते हैं, शब्दों की मार होती है कि रंडवा आदमी क्या सोचता है। सारे रंडवे बैठे हैं, मांगे राम सारे मांगे राम है। रंडवा आदमी नहीं सोचेगा, तेरी गेर पढ़िया करता, वो तीन चार बालका का बाप हो गया, तने अपने सर पर ना आवे मत, ना वहीं बैठ जा, वहीं से सुन रहे आदमी ने सोचेगा, अब तेरी गेरे जो पढ़िया करता वो तीन चार बालका का बाप हो गया, अब तने तेरे सर पर मोड़ बांध के नहीं देखा, अब तेरे सर पर मोड़ बांधेगा तो सुतरा लगेगा, मुंडा लगेगा आएगा। एक पहलवान भी नहीं सोचे, अब तेरे अंदर इतना जोर होना चाहिए जितना हाथी में है, इसका गणा तेरे में होना चाहिए। क्या लिखा तीसरी लाइनों में सुनेगा, अपसर सोचे हेरे, अपसर सोचे ओधा बन जा, जिसके ऊपर बदलो खोड़े, कंगला सोचे धन मिल जाते, जिसके ऊपर करूं मरो, सोचे प्या हो जाते सर पे बांध देखो।
सोचे मेरा ब्याह हो जाता सर पे बांधे देखो मोड़ पहलवान ते भी सोचे हाथी जितना हो जा जोर मोटा सोता हाथ लाग जा मन में सोचे जासे चोर अरे यो मोटा सोचे मेरी आंख बदल जा बालक वर्गा हो जाते हो अरे ये कई कई मोड़े न्यू सोचे मैं तो अपने बैठू दरबारी दरबारी बनने के चक्कर में कई मोड़े साफ हो गए मोटा मोटा में भी फर्क होया करे तो साधु होया करे है जो हमारे इस मंदिर में विराजमान है वे हमारे लिए आदरणीय भी है और पूजनीय भी है लेकिन कुछ साधु कैसे है वे साधु नहीं वे सवाधु एक रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पर बाबा मिल गया मेरे पाँव पकड़ लिए मैं कहा तू मेरे पाँव छोड़ तू बाबा है लोग मैं बाबा को ना तू 25 रुपए दे पौवा ले आऊंगा ये बाबा ऐसे हो गए ये माता बहने बैठी है सरपंच की बहू तक क्या करो तेज बोलो थोड़ा सा सरपंच आप लोग चुप रहो बजाने वाले थोड़े से साइलेंट रहो ये बोलेंगे सरपंच की बहुत है क्या करो सरपंच अरे डॉक्टर की बहुत है अरे अवलदार की तय अरे थानेदार की तय अरे डाकिया की तय डाकन ताऊ तो कहना डाकिया की तय डाकन क्या करे अगर डाकन कहो तो मारेगी बहुत एक गांव में कोई सरपंच बन गया अरे सरपंच बनते गुंजाइश मांग गया गांव में हेला मारे आवाज लगाई कि जितनी ये गांव की बूटी बूटी लगाई है सबने हरिद्वार ले जाऊंगा गंगा नहा के जाऊंगा सारी बूटी बस में बैठ गई नहीं सोचा इसका ब्योत बन गया ये सरपंच बन गया इसा मौका फिर नहीं मिलेगा बस में बैठ जाओ सारी सारी बस में बैठ गई जब बस चलने लगी तुम्हारी रजनी वर्गी बहू आ गई न बोले तू सरपंच बना था वोट मैंने भी दिए थे मैंने भी नवा के लिया सरपंच साहब नु कहने लगे भाभी टेंशन मत ना करे एक मिनी बस छोटी बस और कर दूंगा सरपंच साहब ने एक छोटी बस और कर दी एक बस में तो गांव की बूटी बूटी लुगाई बैठा दी और एक बस में गांव की बहू बहू बैठा दी जब दोनों बसा ने नीलकंठ की चढ़ाई चढ़ी जी बस में बूटी बूटी लुगाई बैठी उस बस के ब्रेक खराब हो गए बस गई पलट और सारी बूटी सीताराम सारी बॉडिया रोड लागे नो मेरी सासू मर गई मेरी सासू मर गई मेरी सासू मर गई एक समझदार सा बुढ़ा आया नो बोले रो मत ना कोई 70 की कोई 75 की कोई 80 की कोई 85 की कोई 90 की कोई 95 की आज नहीं तो कल तो मरती लेकिन यह अच्छी बात होगी कि परमात्मा के दाम पा के इनकी मुक्ति होगी रो मत ना भजन करो सारिया ने रोना बंद कर दिया भजन करने शुरू कर दिए पर एक बहू को मेरे वर की थी ताई रोए 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 डटे नहीं ए बुड्ढा ने बोला ये सारी चुप होगी तू क्या चुप नहीं होती न्यू बोली मैं तो नूर हूं सो आज मेरे लिए सासू तो कराए रहेगी वाबी आ जाती तो वाबी कट जा रहे थे पूरी हो जाती मेरे कहने का मतलब ये है जहां इतनी लुगाई इकट्ठी हो जा वहां भजन नहीं करेंगी वहां क्या करेंगी चुगली क्या करेंगी चुगली यहाँ बाबा के भजन करने हैं चुगली नहीं करनी ये जागरण की रातें रोज 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 नहीं आती ये इतने बड़े बड़े कलाकार रोज नहीं बुलाए जाते इतना पैसा रोज नहीं खर्च किया जाता जागरण का मतलब होता है जाग और रण सारी रात नींद से लड़ाई करना तुमने कसम अपने अपने घर वाले की अगर 4 बजे तक पहले यहाँ तक जाओ तुम अभी कोरोना गया ना है कहीं भी अभी है कहीं कोरोना हाँ जाना नहीं है किसी ने 4 बजे से पहले आरती करवा के प्रसाद लेके तब जाएंगी कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है अगर भावना में जरा सा भाव है तो भव से बेड़ा पार है इंसान का जो बेड़ा पार होगा वो भजन करने से होगा ना कि चुगली करने से होगा आएगा चौथी बात में क्या लिखा सुनेगा हे रे भाई मानते भाई मानते न्यू सोचे भाई सारी दुनिया पे दानी सोचे दया धर्म में कितना कतेड़ा चाहिए दान मैं न्यू सोचूं वही सभा में सबके भीतर